बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद सलमान। गाइस आज है 11 दिसंबर और दिन है इतवार का। मैं पहुंचा हुआ हूं रशियन बीच। सुबह फजर के वक्त हम यहां पहुंच चुके थे, बिल्कुल थोड़ा सा हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हुई थी जब हम यहां पहुंचे थे और हमने यहां पर आके डोर करना स्टार्ट किया है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 11-12 बजे तक रहने का है और डोर करने का है। देखते हैं हमें क्या शिकार लगता है क्या नहीं लगता है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर शिकार कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा सकते हैं कैमरा मैन, ज़रा दिखाइएगा। ये देखें सारे लोग बैठे हुए हैं शिकार के लिए, और उस साइड पे भी दिखाएं, वहाँ भी देखें सारे के सारे शिकार कर रहे हैं। और ये हमारी जो है, ये बाइक्स हमारी दिखाएं, ये हमारी बाइक्स लगी हुई हैं, वो हमारा कूलर रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हमारी रखी हुई हैं। तो आज देखते हैं रशियन बीच का। काफ़ी सुना है कि यहाँ पर बड़ी फिशेज़ भी लगती हैं, छोटी लगती हैं, बड़ी लगती हैं, सब कुछ होता है, काफ़ी कुछ देखा है। आज एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पर आ गए और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आप यहाँ पर लोगों का भी कुछ इंटरव्यू में करके आपको दिखाता हूँ, उनका एक्सपीरियंस भी लेते हैं कि यहाँ पर वो आते हैं हमेशा फ़िशिंग करते हैं, क्या उनको फिशेस लगती हैं नहीं लगती, क्या एक्सपीरियंस उनका, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यहाँ तक आने का रास्ता और तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये भाई यहाँ पर काफ़ी देर से मैंने देखा है इनको शिकार कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या पोजीशन है। पोजीशन बहुत ख़राब है, शिकार बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, शिकार बिल्कुल भी नहीं है, असल में बहुत तेज़ है, शिकार भी तेज़ है इस वजह से। हाँ, हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है। तो आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं? 7 बजे आप यहाँ पर आए, मैं देख रहा हूँ आपको, तो कोई फिश नहीं, छोटी सी फिश आपको लगी है? आज शिकार ही नहीं, शिकार नहीं है। हमेशा आते हैं आप यहाँ पर? 15-20 दिन में आप यहाँ पर आते हैं, तो हमेशा कोई फिश शिकार लगता है? अच्छा होता है। क्या नाम है सर आप? फरहान। थैंक यू फरहान। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? हुसैन शाह। अच्छा हुसैन शाह साहब, आप काफ़ी देर से फिशिंग कर रहे हैं। जी सर। क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर आज पानी का बहाव थोड़ा सा तेज़ है हवा की वजह से ना। अच्छा, तो चांद की चौदहवीं की वजह से भी रात में शिकार नहीं था, तो आज सुबह हवा तेज चलने शुरू होगी। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ शिकार ना होने के बराबर है आज। वैसे हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप वैसे हमेशा आते हैं यहाँ पर? हाँ, हम हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते आते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे शिकार लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। तो आज की मतलब हवा की वजह से? हवा की वजह से आज पानी का बहाव भी तेज है, इस वजह से नहीं लग रहा आज। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। तो भाई ये पोजिशन है यहाँ पर आज, तो शिकार मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सारे शिकारी अपसेट बैठे हुए हैं और शिकार लग नहीं रहा, हवा इतनी तेज़ चल रही है, पानी का बहाव इतना तेज़ है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कुछ ना कुछ हम पकड़ेंगे और आपको दिखाएँगे। तो चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक फैमिली मुझे नज़र आई है, देखो छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे फ़िशिंग कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं और इनसे बात भी करते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, फिशिंग कर रहे हो? इधर आना कैमरे में बेटा, कैमरे में आए बोलो। आपने कोई मछली वछली पकड़ी है अभी तक? नहीं पकड़ी? आप अब्बू के साथ आए हो? अच्छा, आप लोग हमेशा आते हो, कभी कभी आते हो, शौक है मछली पकड़ने का? अच्छा चलो चलो, आपको लगेगी मछली। इस वक्त सीप में से कीड़ा निकाला जा रहा है, जिसको हम चारे के तौर पे यूज़ करेंगे।
ये देखिए ये सीप में से निकला है। अच्छा तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारा शिकार होता है कंप्लीट। अभी 12 बज रहे हैं और यहाँ से निकलने की हम सोच रहे हैं। हमारे साथ यासीन भाई, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस शिकारी हमारे साथ आए हुए थे। शिकार हमें जो भी लगा और उसकी क्या वजूहत थी जो कम लगा हमें शिकार, ज़रा इनसे बात करते हैं और पता करते हैं। देखिए जी दोस्तों, मौसम की ख़राबी थी, जो यहाँ ज्वार पानी में खेल नहीं होता। अच्छा, यहाँ बांग पानी में खेल होता है। और मौसम की ज्वार के साथ साथ हवा की इतनी तेज़ी थी कि डोरों में पानी की बिल्कुल चाल का पता नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मच्छी भी मौजूद नहीं थी। तकरीबन जितने भी लोग आए मैंने देखा किसी को तकरीबन यहाँ आसपास जितने भी लोग थे, कोई गलती से किसी को छोटा मोटा एक दो दाने आए, जिस तरह हमें भी आए थे। सही सही। तो मसला ये है कि आज वो खेल नहीं हुआ जिस उसकी उम्मीद लेके यहाँ आए थे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते यहाँ खेल बहुत अच्छा होगा। सही है, जब बांग होगी, बांग पानी होगा और आइंदा हफ्ते इसका खेल यहाँ बहुत अच्छा होगा। यहाँ अमूमन खेल अच्छा ही होता है। देखें इस पोजीशन में भी, इस ज्वार पानी में भी, तेज हवा में भी हमें कुछ छोटे छोटे दाने लग गए। अगर शिकार के लिए आपको आना है तो यहाँ रशियन ब्रिज आए और बांग पानी में आए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर यहाँ खेल होगा और अच्छी से अच्छी मच्छी मिलेगी। थैंक यू यासीन भाई। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने यहाँ से क्या पकड़ा। इतनी सारी फ़िशिंग हमने की, सब आपको दिखाता हूँ अभी। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा सबसे पहले 1.25 किलो का दाना तकरीबन, उसके बाद ये तकरीबन होगा 1 किलो का दाना, और उसके बाद ये दूसरा, ये भी 1 किलो का दाना। तमाम दाने 1-1 किलो, आधा आधा किलो के हैं। रशियन बीच पे आके हमें माला मालम हो गए, इतना शिकार हमें लगा है। हकीकत तो भाई यही है, लाड़ा, कंप्लीट लाड़ा। तो व्यूअर्स, रशियन बीच पहुंचने के लिए सबसे पहले गूगल मैप पर शाह हुसैन मज़ार सर्च करें और अपनी लोकेशन से डायरेक्शन ऑन करके आप शाह हुसैन मज़ार तक पहुंचें। उसके आगे का रास्ता गूगल मैप पर अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपको पूरा अभी गाइड करता हूं। मेरे साथ इस वीडियो में रहिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं शाह हुसैन मज़ार के पास खड़ा हुआ हूँ। सामने से जो रास्ता आ रहा है वो पोर्ट कासिम से आ रहा है। जब आप पोर्ट कासिम से शाह हुसैन मज़ार की तरफ आ रहे होते हैं, जब बिल्कुल एंड लोकेशन पे पहुँचेंगे, तो राइट हैंड पर आपको ये ब्लू गेट नज़र आ रहा है, ये रेंजर्स की चौकी है। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि आपको शाह हुसैन मज़ार नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ना, आपने अगर रशियन बीच जाना है तो आपने, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से ही आपको रास्ता मिलेगा रशियन बीच का। जब आप पोर्ट कासिम से आ रहे होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये झाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही है ना, बीच में ये दो बाइक्स खड़ी हैं, इस बाइक्स के पीछे जो रास्ता है उन झाड़ियों के दरमियान से आपको निकलना होगा और बाइक्स के टायर के जो निशान हैं उनको आपने फॉलो करना होगा। बाकी आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है और इस रास्ते पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पर रास्ते में एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी कैमल नज़र आया, जिसको देख के मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मुझे लगा कि बस मेरा ट्रिप जो है वो तो वसूल हो गया है इसको देखकर।
तो व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच गए रशियन बीच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।